Well, let's derive an expression for average pressure on the side walls of a container. Side walls of a container. ठीक है, तो मान लीजिए हम कंटेनर ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप का, ये लीजिए, अब पानी भर दिया इसमें। ओके, तो मान लीजिए किसी एक वाई लेंथ नीचे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए। ओके, इसे कलर भी कर सकते हैं ताकि और अच्छी तरह दिख जाए। ओके, ये हमने छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, कितनी नीचे ले लिया, वाई डेप्थ पे ले लिया ऑफ डी वाई थिकनेस। ओके, तो इतने पोर्शन पे फोर्स निकालना है हमको। कैसे निकाला जाए, इतने पोर्शन पे फोर्स लग रहा होगा है ना, लैटरली बाहर की तरफ बाय द लिक्विड वॉल्स पे। ये देखा, एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स हम पहले निकालेंगे, बाद में प्रेशर तक पहुंच जाएंगे। तो पहले तो हमें यहां तक निकालना है प्रेशर कितना है। प्रेशर एट अ डेप्थ वाई, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी, एच की जगह वाई लेना है, ये हो गया। नाउ फोर्स, अब देखो ये डी वाई इतना छोटा पोर्शन है कि यहां से यहां आने में प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये डी वाई बहुत छोटी डेप्थ है कि इस डेप्थ में यहां इस लेवल से इस लेवल आने में देर विल बी नो चेंजेज इन प्रेशर। मतलब यहां पे भी रो जी एच है, रो जी वाई है, यहां पे भी प्रेशर की वैल्यू कितनी है, रो जी वाई, और यहां पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, रो जी वाई। इतना छोटा अंतराल है, इसी को डिफरेंशियल क्वांटिटी बोलते हैं, कि हमने इतना छोटा पोर्शन लिया है कि यहां दोनों ही जगहों पर आपको दिख थोड़ा बड़ा रहा होगा ये, लेकिन हम इतना छोटा लिए हैं कि आपको प्रेशर दोनों ही सर्फेसिस पे सेम मिलेगा। तो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं ना, फोर्स ऑन द डिफरेंशियल थिकनेस, डिफरेंशियल एरिया, फोर्स डी एफ इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया ऑफ थिकनेस डी वाई। तो ये प्रेशर कितना है, प्रेशर तो रो जी वाई है ना, प्रेशर तो इस पोर्शन पे रो जी वाई है, और एरिया कैसे लें, एरिया होता है सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, ऐसे लिखते हैं। डिफरेंशियल एरिया हमेशा ऐसे लिखा जाता है, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस के फॉर्म में। सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। अगर मैं सिलेंडर का रेडियस आर मान लूँ, स्मॉल आर, तो इट इज 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी है, डी वाई। ओके, तो दैट इज द फोर्स आई एम गेटिंग। सो टोटल फोर्स कैसे आ जाएगा, रो जी 2 पाई और आर, ये सब कांस्टेंट है, रो जी 2 पाई आर, हमारा वाई इंटीग्रेट होगा कहाँ से कहाँ, क्योंकि तो एवरेज निकाल रहे ना, तो पूरा यू ऊपर से नीचे तक, ऊपर तो वाई 0 है और नीचे जाके वाई वाई हो जाता है। सो टोटल फोर्स आ गया 2 पाई रो जी आर, और वाई का हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाय 2 0 से एच तक। ये तो आर्बिट्री है ना, ये हाइट कितनी है, एच, हमें एच लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर्स कितना आ गया, 2 पाई रो जी आर इंटू एच स्क्वायर बाय 2, 0 रखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना मैं क्या अरेंज करूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा रो जी एच, एक एच छीन लिया मैंने, क्या बच रहा है,
पाई आर एच बच रहा है, पाई आर एच, ओके। तो ये फोर्स आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोथ साइड्स सॉरी, या टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करूंगा, तो उससे टू पाई आर एस बन जाएगा, यानी कि एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर या वेटेड सरफेस एरिया, जितना पोर्शन गीला है उतना मैंने एरिया लिख लिया है। तो फोर्स अपॉन एरिया करने पर हमें मिल जाएगा एवरेज प्रेशर, विच विल बी रो जी एच बाय टू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ ए कंटेनर हमेशा टोटल प्रेशर का आधा होता है, रो जी एच बाय टू। ठीक है, अब मैं इसको एक रेक्टेंगुलर में भी करके दिखाता हूँ, आंसर हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए हम एक ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, यहां तक मान लो पानी भर शुरू किया, पानी भरना यहां से, ये कंटेनर है, हमने पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ, यहाँ से शुरू किया है, सबसे ऊपर की लेवल है पानी की ये, ओके। यहाँ तक भर लिया है हमने पानी, ऐसे आप कलर कर सकते हैं ताकि लगे यहाँ पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ओके। अब हमको क्या चाहिए, हम एक छोटी सी पट्टी ले लेते हैं, जहाँ तक जैसे हमने उसमें भी ली थी, इतनी छोटी सी, कलर कर देंगे उसको रेड से भी, दैट्स इट। देखो हमें इतनी पोर्शन पे फोर्स निकाल लेना है, फिर हम पूरे के लिए निकालेंगे, है ना। और मान लेते हैं कि ये पट्टी हमने वाई डिस्टेंस नीचे ली है ऑफ थिकनेस डी वाई, तो अब यहाँ तक पहले प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर अप टू डेप्थ वाई। अब को रट भी जाएगा दोनों तरीके से, मैं इसलिए कर रहा हूँ दोनों एग्जांपल्स लेकर। तो प्रेशर अप टू डेप्थ वाई क्या होगा, रो जी वाई। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन द डिफरेंशियल एरिया ऑफ थिकनेस डी वाई, सिर्फ इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैंने जो तीन एरोस बनाए हैं ब्लैक कलर के, ये बाहर की तरफ फोर्स दिखा रहे हैं इस पट्टी पे। तो हम बताए बच्चे पहले बता चुके हैं कि इतने पतला एरिया है कि यहाँ पे अगर रो जी वाई है तो नीचे पे भी रो जी वाई है, लेकिन इसे लिया जा सकता है। सो छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू छोटा सा एरिया डी ए। वो प्रेशर कितना है, रो जी वाई है, और वो एरिया कितना है, अगर मान लीजिए ये थिकनेस, ये मान लेते हैं बी है, ब्रेथ अंदर की तरफ बी थिकनेस मान लेते हैं, तो इस पट्टी का एरिया क्या होगा, ये ब्रेथ है और ये थिकनेस है डी वाई, तो ये कैसे सिंपली राइट बी डी वाई, ये डीएफ आ गया। अब आप सिंपली टोटल फोर्स निकाल लीजिए इंटीग्रेट करके, रो जी बी, रो जी बी तो कांस्टेंट है ना, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकता हूँ 0 से एच तक, अगर मान लीजिए पूरा पानी जो भरा हुआ है वो एच है। तो नाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट रो जी बी इंटू एच स्क्वायर बाय टू, हो गया। अब क्या करिए, रो जी एच को अलग लिख लो, एक एच बच जाएगा, बी और एच बाय टू आ जाएगा। तो फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू एच का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा एरिया, वॉल एरिया है ना, इसी को तो एवरेज बोल रहे हैं, कि इधर जो आएगा वो इधर भी आ जाएगा। तो हमने जब एरिया नीचे लेकर आए, और वो एरिया सिर्फ इस पोर्शन का है, ठीक है, तो कितना आया, रो जी एच, ये पूरा बी एच उड़ा ले गए, डिवाइड बाय टू। आप देख सकते हैं दोनों बार सेम आंसर आएगा, शेप कैसा भी हो वॉल्स पे, ओवरऑल हमेशा यही आंसर आता रहेगा। तो इसको कथन के रूप में लिख लेते हैं, दैट एवरेज प्रेशर ऑन वॉल्स इज ऑलवेज हाफ ऑफ टोटल प्रेशर एट बॉटम, टोटल प्रेशर एट बॉटम। इसके एमसीक्यू बन सकते हैं, तो मान लीजिए आपको अगर एग्जांपल में क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कंटेनर है, उसकी हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है ना, इतना ही काफ़ी है, और उसका डेंसिटी जो है 1000 है पानी है, और क्या जी की वैल्यू 10 ले लो, तो वो सिंपली ये पूछ सकते हैं, फाइंड द एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स। वो बॉटम पे नहीं पूछेंगे,
आप बॉटम का निकालो, क्या हो रहा है ये, रो जी एच करो, डिवाइड बाय टू कर देना, तो ये आपका प्रेशर एवरेज आ जाएगा। दैट इज द आंसर टू सच क्वेश्चन। सो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट दी फोर्स ऑन दी, या प्रेशर ऑन, सॉरी प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ना एक बात और है, फोर्स भी निकाल सकते हैं ना हम। देखो फोर्स का भी तो एक्सप्रेशन अच्छा खासा आ रहा है, रो जी एच इंटू एरिया डिवाइड बाय टू। ध्यान रखें बी एच मत लिखें, कन्फ्यूज जाएंगे, एरिया लिखे रहने, जो भी वॉल एक्सपोज है जिस वॉल पे आप निकालना चाहते हो उस वॉल का एरिया। कल को यहाँ निकालोगे, अगर ये थिकनेस ए है और अब ये तो सेम रहेगी डी वाई, लेकिन ध्यान रखना ये ए है और ये बी है, डिपेंड करेगा।